पलामू की तपती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने जितना नहीं सताया उतना अब आगजनी की घटना डराने लगी है। पलामू में गर्मी के आगमन के साथ जिले का नीलांबर पीताम्बरपुर मुख्यालय डर से सहम जाता है, क्योंकि बाजार क्षेत्र में हर साल आग की लपटों में व्यवसायियों को खासा नुकसान उठाना पड़ता है। फिर एक बार रेसिंगगंज बाजार में मोहनदास के घर में स्थित अर्जुन दास के किराना दुकान में आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि समूचे बाजार में अफरा तफरी मच गई। इधर ब्लास्ट की आवाज से भी लोग डरे हुए हैं कि तेज आवाज सिलेंडर का है या पटाखे के फटने का कहना मुश्किल है, क्योंकि मोहनदास का परिवार तो उस घर में रहता ही है, वहीं बड़ा किराना दुकान अर्जुन दास का भी है और उसी घर में गोदाम भी। प्रशासन को सूचना मिलती और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का काम शुरू करती। बाकी घरों को बचाने के लिए स्थानीय लोग टूट पड़े। घंटे भर बाद भी दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची है, वहीं गर्म हवा का झोंका आग को और विकराल बनाने का काम कर रहा है। गनीमत रही कि घटनास्थल के सामने तालाब है, जहां से दर्जनों लोग बाल्टी भर भर कर आग बुझाने के लिए तत्पर दिखे। हालांकि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट का अंदेशा जताया जा रहा है, पर कारणों का पता अब तक ना चल पाया है। हाट बाजारों में सबसे प्राचीन और पौराणिक नीलांबर पीताम्बरपुर में साल दर साल होती आगजनी की घटना ने लोगों को सकते में भी डाल दिया है, जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म है। गौरतलब है कि नीलांबर पीताम्बर के शहादत दिवस पर भाजपा और माले का समारोह आयोजित था। स्थानीय विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता भाषण दे रहे थे, उसी दौरान ये खबर आग की तरफ फैली। आग विकराल रूप धारण किए हुए है, पर असंवेदनशीलता के प्रकाशा देखिए, ना तो भाषण बंद हुआ ना ही समारोह। भीषण आग कई घरों को अपने चपेट में ना ले, इसकी चिंता में लोग परेशान है, जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी अभी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं।